हे फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मेरे साथ है मुमताज, पीछे बैठे आरिफ भाई, और हम सुनने वाले शिकवा दी कंप्लेंट। मींस एक इंसान की जो अल्लाह से कंप्लेंट है वो अल्लामा इकबाल जी है, वो उनका एक तरीका है बताने का, वो उनने इसमें बांगे दारा में शेयर किया। मुझे बहुत नहीं पता, बट जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही मैंने उससे कहा है। आप मुझे बता सकते हो एग्जैक्टली क्या ये चीज़ है? मुझे ज़्यादा पता नहीं उनके बारे में भी। वो एक अच्छे राइटर, एक अच्छे पॉलिटिशियन, एक अच्छे फिलोसोफर हुआ करते थे। पॉलिटिशियन, यस एग्जैक्टली। तो अब हम सुनने वाले उन्हें, उनकी मीन्स लाइन्स को, और किन की आवाज़ में? इकबालियत आदि बात, ओके ठीक है, आई डोंट नो इनकी आवाज़ में होगी। लेट्स सी, स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी ये हमें रिकमेंडेशन मिली थी, क्योंकि हमने एक कोक स्टूडियो में एक सुना था, कुछ शिकवा सुना था, तो उसके बाद हमें मिली थी कि हमें ये पूरा सुनना चाहिए। तो फाइनली आज हम सुनेंगे आप सबके साथ। लेट्स सी किस तरह का फील होता है, कैसा लगता है। आप सब तैयार हो? कब पैदा हुए थे उनका जन्म? कब? 9 नवंबर 7 उनका जो जन्म हुआ था 1877 सियालकोट में उनका जन्म हुआ था। उनको वफात मिली लाहौर में 1938 21 अप्रैल। हम स्टार्ट करते हैं, देखना ठीक है, ओके। बी कंप्लेन उनकी आवाज, दिल की आवाज है। ओके चलो स्टार्ट करें, अब नहीं रुकाऊंगा मैं। क्यों जियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं? क्या आवाज सुनी सुनी लगी? फिक्र फर्दा न करूं, मैं भी गमे दोष रहूं। नीचे इंग्लिश में बिलाइंस। नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं। जुरत आमोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको। है बजा शेवा तस्लीम में मशहूर हैं हम, किस्से दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम। साजे खामोश हैं, फरियाद से मामूर हैं हम, नाला आता है अगर लब पे तो माजूर हैं हम। ए खुदा, शिकवे अरबाब वफा भी सुन ले, खूगरे हम्द से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। शिकवा थी तो मौजूद अजल से ही तेरी जाते कदीम, फूल था जेब चमन पर न परेशान थी शमीम। शर्त इंसाफ है ऐ साहिबे अल्ताफे अमीम, बुए गुल फैलती किस तरह जो होती न नसीम। हमको जमीयत खातिर ये परेशानी थी, वरना उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थी। Meet for more 11, the video editor that can do more. And I just can't get enough. हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर, कहीं मस्जिद थे पत्थर कहीं माबूद शजर। खूगरे पैकरे महसूस थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर। तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वत बाजू मुस्लिम ने किया काम तेरा। बहुत लोग की शादी की गई है, खुश नसीब थे वो सब। बस रहे थे यहीं सलजूक भी तूरानी भी, अहले चीन चीन में ईरान में सासानी भी, इसी मामूरे में आबाद थे यूनानी भी,
इसी दुनिया में यहूदी भी थे, नसरानी भी, पर तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने? बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने? थे हम ही एक तेरे मार का आ रहा हूं, खुश्कियों में कभी लड़ते, कभी दरियाओं में दी अजाने, कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। थी ना कुछ तेग जनी अपनी हुकूमत के लिए, सरबकफ फिरते थे क्या दहर में दौलत के लिए? कौम अपनी जजरो माले जहां पर मरती, बुत फरोशी के एवज बुत शिकनी क्यों करती? टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, जेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने? शहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने? तोड़े मखलूक खुदावंदों के पैकर किसने? काट कर रख दिए कुफार के लश्कर किसने? किसने ठंडा किया आतशकदाए ईरां को? किसने फिर जिंदा किया तस्किराए यजदां को? कौन सी कौम फकत तेरी तलबगार हुई और तेरे लिए जहमत कशे पैकार हुई? किसकी शमशीर जहांगीर जहांदार हुई? किसकी तकबीर से दुनिया तेरी बेदार हुई? किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हुअल्लाह अहद कहते थे? आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रूहों के जमीन बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। महफिले कौनो मकामे सहरो शाम फिरे, मैं तौहीद को लेकर सिफते जाम फिरे। कोह में दश्त में लेकर तेरा पैगाम फिरे, और मालूम है तुझको कभी नाकाम फिरे। दश्त तो दश्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सफ़े दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौ इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने। तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं हम। वफादार नहीं तू ही तो दिलदार नहीं। उम्मतें और भी हैं, इनमें गुनाहगार भी हैं, इज्ज़त वाले भी हैं, मस्ते मैं पिंदार भी हैं, इनमें काहिल भी हैं, गाफिल भी हैं, होशियार भी हैं, सैकड़ों हैं कि तेरे नाम से बेजार भी हैं। रहमतें हैं तेरी अग्यार के काशानों पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। बुत सनम खानों में कहते हैं मुसलमान गए, है खुशी उनको कि काबे के निगहबान गए। मंजिले दहर से ऊंटों के हुदी खान गए, अपनी बगलों में दबाए हुए कुरान गए। खंदजन कुफ्र है, एहसास तुझे है कि नहीं?
अपनी तौहीद का कुछ पास तुझे है? Sell online and grow your business with Wix e-commerce. Create a कि नहीं, ये शिकायत नहीं है उनके खजाने मामूर, नहीं महफिल में जिन्हें बात भी करने का शऊर। पर तो ये है कि काफिर को मिले हूर और कसूर, और बेचारे मुसलमान को फकत वादा हूर। अब वो अल्ताफ नहीं, हम पे इनायात नहीं, बात ये क्या है कि पहली सी मुदारात नहीं। क्यों मुसलमानों में है दौलत दुनिया नायाब, तेरी कुदरत तो है वो जिसकी न हद है न हिसाब। तू जो चाहे तो उठे सीना सहरा से हबाब, रहरवे दश्त हो सैली जदाए मौज सराब। ताने अखियार है, रुसवाई है, नादारी है, क्या तेरे नाम पे मरने का इवज खारी है? बनी अखियार की अब चाहने वाली दुनिया, रह गई अपने लिए एक ख्याली दुनिया। हम तो रुखसत हुए, औरों ने संभाली दुनिया, फिर न कहना हुई तौहीद से खाली दुनिया। हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, कहीं मुमकिन है कि साकी न रहे जाम रहे। तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए, शब की आहें भी गई, सुबह के नाले भी गए, दिल तुझे दे भी गए, अपना सिला ले भी गए, आके बैठे भी न थे और निकाले भी गए। आए उस शाख गए वादे फर्दा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चरागे रुख जेबा लेकर। दर्द लैला भी वही, कैस का पहलू भी वही, नजद के दश्त जबल में रमे आहू भी वही, इश्क का दिल भी वही, हुस्न का जादू भी वही, उम्मत अहमद मुरसल भी वही, तू भी वही। फिर ये आजुर्दगी गैर सबब क्या मानी, अपने शायदाओं पे ये चश्म गजब क्या मानी। तुझको छोड़ा कि रसूल अरबी को छोड़ा, बुतगरी पेशा किया बुतचिकनी को छोड़ा, इश्क को इश्क की आशुफ्ता सरी को छोड़ा, रस्म सलमान व अवैसे करनी को छोड़ा। आग तकबीर की सीनों में दबी रखते हैं, जिंदगी मिसले बिलाले हबशी रखते हैं, इश्क की खैर वो पहली सी अदा भी न सही, ज्यादा पैमाई ये तस्लीम और रजा भी न सही, मुस्तरिब दिल सिफते क़िबला नुमा भी न सही, और पाबंदी आईन वफा भी न सही। कभी हमसे कभी गैरों से शिनास आई है, बात कहने की नहीं तू भी तो हर जाई है। सरे फारा पे किया दीन को कामिल तूने, एक इशारे में हजारों के लिए दिल तूने, आतश अंदोज किया इश्क का हासिल तूने, फूंक दी गर्मी रुखसार से महफिल तूने। आज क्यों सीने हमारे शरर आबाद नहीं, हम वही सोख्ता सामा हैं, तुझे याद नहीं। वादी नजद में वो शोर सलासिल न रहा, कैस दीवाना नजारा महमिल न रहा, हौसले वो न रहे हम न रहे दिल न रहा, घर ये उजड़ा है कि तू रौनक महफिल न रहा। ای خوشان روز که آیی و به صد ناز آیی، بی حجابان سوی محفل ما باز آیی، بادکش غیر هن گلشن میں لبے جو بیٹھے
सुनते हैं जाम बकफ नगमाए कुकू बैठे, दूर हंगामाए गुलजार से यकसू बैठे, तेरे दीवाने भी हैं मुंतजरे हू बैठे। अपने परवानों को फिर ज़ौक़े खुद अफरोजी दे, बर्क देरीना को फरमाने जिगर सोजी दे, कौम आवारा इनाताब है फिर सूए हिजाज, ले उड़ा बुलबुल बेपर को मजाक परवाज, मुस्तरिब बाग के हर गुंचे में है बुए नियाज, तू जरा छेड़ तो दे तिश्ने मिजराब है साज। नगमे बेताब हैं तारों से निकलने के लिए, तूर मुस्तर है उसी आग में जलने, तारों से निकलने के लिए। Hold the first all together the rope which all not divided among. तूर मुस्तर है उसी आग में जलने के लिए, मुश्किलें उम्मत मरहूम की आसान कर दे, मूरे बेमाया को हम दोषे सुलेमा कर दे, जिनसे नायाब मोहब्बत को फिर अर्जा कर दे, हिंद के दैर नशीनों को मुसलमान कर दे, जूए खून मीच कदर्स हसरत दीरीना मीठा पद नौले बिनश्तर कदये सीना ये। बुए गुल ले गई बैरून चमन राज चमन, क्या कयामत है कि खुद फूल हैं गम्माज चमन, ऐद गुल खत्म हुआ टूट गया साज चमन, उड़ गए डालियों से जमजमा परदाज चमन, एक बुलबुल है कि है महव तरन्नुम अब तक, उसके सीने में है नगमों का तला तुम अब तक, उमरियां शाख सनोबर से गुरेजा भी हुई, पत्तियां फूल की झड़झड़ के परेशान भी हुई, वो पुरानी रविशें बाग की वीरां भी हुई, डालियां पैरहने बर्ग से उरियां भी हुई, कैद मौसम से तबीयत रही आजाद उसकी, काश गुलशन में समझता कोई फरियाद उसकी, लुत्फ मरने में है बाकी न मजा जीने में, कुछ मजा है तो यही खून जिगर पीने में, कितने बेताब हैं जौहर मेरे आईने में, किस कदर जलवे तड़पते हैं मेरे सीने में, इस गुलिस्तान में मगर देखने वाले ही नहीं, दाग जो सीने में रखते हों वो लाले ही नहीं, चाक इस बुलबुल तन्हा की नवा से दिल हूं, जागने वाले इसी बांगे दरा से दिल हूं, यानी फिर जिंदा नए अहद वफा से दिल हूं, फिर इसी बादए देरीना के प्यासे दिल हूं, अजमी खुम है तो क्या मैं तो हिजाजी है मेरी, नगमा हिंदी है तो क्या लय तो हिजाजी है मेरी। अमेजिंग अमेजिंग, इनकी जो लाइन्स थे बहुत पावरफुल। देखो ऐसा नहीं कि हमने पूरा समझ लिया है, हम कहाँ समझ पाएंगे सारी चीज़ें, हमें बहुत सी चीज़ें मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें समझ तक नहीं आई है, लेकिन जितनी समझ आई उसने बहुत बहुत अंदर तक उतरी बहुत सी चीज़ें, और जिनकी आवाज़ उनने जस्टिफाई किया है, मीन्स डिजर्व करते वो उनकी मतलब इनकी लाइन्स कहना या फिर प्रेजेंट करना, आई डोंट नो किसकी आवाज़ थी बट ये बहुत मायने रखती थी आवाज़ उसके साथ में, इट्स अमेजिंग, नो वर्ड्स बट इट्स अमेजिंग। हम भी जानना चाहेंगे बहुत सी मतलब है, हमें नहीं पता होगी बहुत सी चीज़ें, आप हमें बता सकते हो कमेंट्स में किस लाइन के क्या क्या मतलब थे, हमें जितना समझ आया हमने उतनी समझ, हमारी समझ बहुत छोटी है, हमने उतनी ही समझी जितना हमें समझ आया, और हम इसे जितनी बार सुनेंगे उतनी बार हमें कुछ ना कुछ नए पॉइंट्स हमें और डिटेल में समझ आएगी, जितनी बार सुनेंगे उतनी बार, और ज़रूर हम इसे वापस सुनते रहेंगे ताकि और अच्छे से हम इसे समझें, और इसे कहते हैं शिकवा, इसे कहते हैं शिकवा शिकवा। जानना चाहूंगा मुमताज आरारी भाई को कैसा लगा है? बहुत बहुत अच्छा लगा, मतलब लाइक कि ये ऐसा था कि मतलब वो अल्लाह से शिकवा कर रहे कि मतलब हम लोग ही क्यों
कुछ भी हो रहा है तो हम लोग के साथ ही क्यों हो रहा है, हम लोग आपका इतना ये कर रहे हैं, इतना ध्यान रख रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, सब दुआएं पढ़ रहे हैं। तो हर कोई करता है कभी ना कभी शिकवा अपने लाइफ में कि कब बुरा होता है, तो सब लोग बोलते हैं अल्लाह मेरे साथ ही क्यों। तो ऐसे इन भी बता रहे कि ये ही क्यों, इन इसमें मतलब लाइक बहुत सारा ये भी था, जैसे अर्तुगुल ये था, हाँ वैसा भी कुछ था, बहुत बहुत अच्छा था। और बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आई है, एक्सेप्ट करना, तो उसको और हमको सुनना पड़ेगा तब समझ में आएगी। मतलब बहुत बार सुनने के बाद भी नहीं आएगी, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो मिस ही कर देंगे, पर जितना समझ में आया बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। और सबको बताने के लिए भी मतलब बहुत चीज उनने बताए कि खुदा है के हम मतलब वो सब हाँ खुदा है कि वो सबको बताए, मतलब सब पूरा सबको बताए उन लोगों ने कि खुदा है कि हाँ ये अरिब भाई एक्चुअली कहना चाहते कि मीन्स कितने लोगों ने कितना लड़ा है ताकि अल्लाह का नाम बाकी रहे, जब तक हम जिएंगे तब तक हमारी ताकत यही हम लगाएंगे तो अल्लाह का नाम बाकी रहे, तो इट्स लाइक दैट, ये कहना चाहते हो? हाँ भाई एग्जैक्टली। तो फिर हाँ वो सब लाइंस तो यार मतलब आ गया, एंड लड़ाई में अगर वक्त नमाज तो किबला रुख होकर गिरी कौम हिजाज, तो ये सारी लाइंस ने बहुत ज़्यादा टच किया। और फिर मतलब एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, ऐसे अमेजिंग अमेजिंग लाइंस यार, बहुत अच्छा लगा तहे दिल से। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबने ये रिकमेंड किया था, सजेशन दिया था, हमने सुना है। सो प्लीज़ नेक्स्ट क्या सुनना चाहिए उसके बारे में बताइएगा, और अपनी राय ज़रूर हमें कमेंट्स में शेयर करिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखें, बाय।